यहाँ का नली वाला पीस, इसको सरका सरकाते हैं और खिसका करके ये निकाल दिए पूरा। और पता है इसके अंदर में क्या होता है? वो तेल जाएगा, गरम तेल। अच्छा, गरम तेल है, सो पकाया हुआ तेल है ये। हाँ, वाह, नली वाला पीस दिख रहा है आपको और मटन जो है। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरी इस नई सी वीडियो में। और वाटर पार्क, एक्वा वाटर पार्क से होकर के निकले, फन फुल फन किए और मस्ती वस्ती करने के बाद बाहर निकले। बाहर निकलते ही लग गया मैं भूख, और भूख लगा तो भाई साहब बहुत शानदार जगह मिला मुझे। कहा जगह देखिए यहाँ है, बाहर निकलते ही आपको दिखेगा ये असली स्वाद, यही बात चंपारण मीट हाउस। और यहाँ होता है फ्री होम डिलीवरी। तो हम चलते हैं अंदर में। और पिछली बार जब आए थे हम तो ट्राई किए थे यहाँ का क्या मटन स्टू, लेकिन इस बार ट्राई करने वाले वहाँ देखिए वो लगा हुआ है इनका हांडी मटन। तो आज हम लोग वो ट्राई करेंगे। पिछली बार हम लोग टेस्ट किए थे मटन स्टू को, मज़ा आ गया था टेस्ट करके। इस बार जो देखते हैं कि हांडी मटन का स्वाद जो कैसा है। तो यहाँ आइए, अंदर आइएगा तो दिखेगा आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा बैठने का, और वो जो है एरिया जहाँ पे सब कुछ बनता है। चलते हैं फटाफट उसके अंदर में और देखते हैं सब कुछ कैसे बनता है, फिर करेंगे टेस्ट। भूख बहुत ज़बरदस्त लग गया है, करेंगे टेस्ट, बताएंगे कि यहाँ का स्वाद जो वो कैसा होगा। आइए, तो गाइज यहाँ पर शुरुआत हो चुका है बनने का हांडी वाला मटन, और कैसे बनता है बताएंगे भैया हमारे यहाँ बैठे हैं। मेरा नाम क्या हुआ आपका? दीपक। दीपक जी, कैसे कैसे बनाइएगा आप? पहले प्याज जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्याज सब कुछ तौलते हैं, यहाँ पे तौल सब कुछ करते हैं ना। यहाँ 600 ग्राम प्याज जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 600 ग्राम के आसपास प्याज जाएगा इस प्लेट के ऊपर में। 600 ग्राम तो बात क्या है, ये जाएगा 3.5 चम्मच मसाला। ये मसाला कौन सा है? स्पेशल मसाला जो हम लोगों का होता है। अच्छा, तो 3.5 चम्मच। हाँ, तो ये एक हांडी का बन रहा है रेडी कर, किलो का, 1 किलो का बन रहा है। अच्छा, 1 किलो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ये आ गया नमक, मिर्चा जाएगा 4 पीस। अच्छा, 4 पीस गिन कर गए? 4-5 पीस जितना हो। अच्छा, तो यहाँ पे सूखा मिर्च आ गया और ये सूखा लहसुन है। ये आ गया एक गोटा लहसुन। अच्छा, गोटा लहसुन भी पड़ता है इसके अंदर में, है ना? ये हो गया अपना, ये रेडी कर दिया इसको। और रेडी कर करके यहाँ पे जो है रखते जाएंगे। इसमें जाएगा तेल, तेल जाएगा गरम तेल। अच्छा, गरम तेल है, सो पकाया हुआ तेल है ये। हाँ, एक डब्बू जाएगा हांडी में। तो यहाँ पे देखिए हांडी को एक डब्बू डाल दिए हैं हांडी के अंदर में, और चारों तरफ इसको जो है फैला देंगे। और फैलाने के बाद उसके बाद 1 किलो मटन जाएगा। अच्छा, अब आया ये लास्ट में 1 किलो मटन, और इतना प्रिपेयर कर रहे हैं सब 1 किलो के अकॉर्डिंग ही मटन प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। वाह, हो गया, तो ये हो गया रेडी। अब उनको पूरा मैरिनेट करेंगे, मिलाएंगे सारे मसालों को, नमक को, मटन को, प्याज को, और तब जाएगा वो उस हांडी के अंदर में। और फिर कैसे बन के निकलेगा वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए एकदम पूरा मिला देंगे। वाह भाई साहब, क्या खुशबू निकल के आ रहा है अभी से ही। मतलब जैसे ही इसको मिलाए ना, और सही वैसे ही जो है पूरा मसाला का खुशबू जो है निकल के आने लगा। बहुत सुंदर। आपका नाम क्या हुआ? नीरज। अच्छा, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 1 सप्ताह से। अच्छा, 1 सप्ताह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा जो है 1 किलो के अराउंड जितना मटेरियल बना था ये सब डाल रहे हैं उस हांडी के अंदर में। वाह, तो कितना बनाते हैं एक दिन में आप यहाँ पे? एक दिन में लगभग अभी बन रहा है 15-16 केजी। 16 किलो के आसपास है ना? स्टू अलग है, स्टू अलग बनता है। हाँ, और ये अलग बनता है, अलग 15 केजी बनता है हांडी। और कितना हांडी निकलता है एक दिन में? वही 15-16 हांडी निकलता है। 16 हांडी निकल जाता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक हांडी का माल जो है रेडी कर दिया गया है, और वैसे ही करके पूरा जितना हांडी दिख रहा है सब में बनाएंगे, बना बना के डालते जाएंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं वो दिखाते हैं आपको हम। तो गाइस यहाँ देखिए वो जो मटका जो बना था वहाँ से बाहर लेकर के आया गया, और इसको अब सील करेंगे इस आटे की मदद से। ये देखिए पूरा जो है आटा यहाँ रखा हुआ है, और इस आटे से ही जो इसके चारों तरफ सील करेंगे, पैक कर देंगे। और कुछ हांडी जो है वहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए आप, बहुत सुंदर। तो अभी जो है इस सारे मटके को जो है डाल दिया गया है इस कोयले की आँच पे। टाइम कितना लगेगा पकने में इसको? 1.25 से 1.5 घंटा। 1.5 घंटा के आसपास लगेगा टाइम इसको पूरा पकने में। और पकने के बाद फिर कैसे करते हैं, कैसा निकलता है वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए बीच बीच में जो है सबको चेक करते रहेंगे, उठाएंगे इसको, हिलाएंगे, ताकि जो है मसाला पूरा सब एक दूसरे में मिल जाए। तो अभी जो है इसको 25 मिनट के आसपास रखे थे इसको, और फिर दोबारा खोल करके इसको फिर से मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे हैं इसको? प्याज तोड़ने के लिए मिला रहे हैं, एक बार खुलता है खाली, बस बीच में एक बार खुलता है, फिर पैक कर दीजिए दोबारा, फिर पैक कर देंगे फाइनल है इसके बाद। उसके बाद फिर दिखाते हैं कि पैक करने के बाद जो है इसका रंगत जो है वो कैसा निकल के आता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट अब ये बिल्कुल पक के रेडी हो गया। हाँ, रेडी है ये, रेडी हो गया। और 2 घंटे का सब पूरा पकाएं इसको, और पकाने के बाद ओए होए होए भाई साहब क्या बात है जी। एक बार कलर चेक कीजिए इसका आप, एकदम शानदार सा कलर दिख रहा होगा इसमें। ये देखिए आप, वाह, नली वाला पीस दिख रहा है आपको। पूरा जो मटन बिल्कुल पक के बिल्कुल रेडी हो गया है, पूरा पक गया,
अच्छे तरीके से। फाइनल है, पूरा पूरा फाइनल है। खड़ा बताला दिख सकता है इसके अंदर में। ये क्या है, कलेजी था? हाँ ये कलेजी है। कलेजी है और यहाँ पे नली वाला पीस है, ये देखिए आप। वाह, तो ये ऑलमोस्ट पूरा पक के रेडी हो गया। चलिए फटाफट करते हैं इसको हम लोग टेस्ट अब, और देखते हैं कि इसका टेस्ट जो वो हांडी मटन का टेस्ट जो वो कैसा होने वाला है। पिछली बार जब हम लोग आए थे टेस्ट करने के लिए तो हम लोग ट्राई किए थे स्टू मटन को, लेकिन आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इस हांडी मटन को। तो जनाब फाइनली जो है अब हमारे पास आ चुका है प्लेट यहाँ पे हांडी मटन का, एकदम शानदार सा। देख रही है, ये देखिए ये मज़ा है भाई साहब। ये है नली वाला पीस, इसके अंदर में साथ में लहसुन ख़त्म हो गया था, 1-2-3 पीस लिया है। ये 250 ग्राम के आसपास है। आपको यहाँ पे ये जो है ना ये खाना होगा तो आपको मिलेगा 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा यहाँ पे। मैंने दिया 250 ग्राम के आसपास। तो हम निकालते हैं एक बारी, देखते हैं पहले। ये देख रहे हैं, ये है नली वाला पीस, इसको निकालते हैं, तोड़ते हैं हाथ से और देखते हैं कैसा पका हुआ ये। ये दिख रहा है, ये देखिए एक हाथों से टूट रहा है भाई साहब, बिल्कुल एकदम अंदर से बिल्कुल पिंक पिंक दिख रहा होगा आपको। मटन बिल्कुल फ्रेश है और शानदार तरीके से बना हुआ है। थोड़ा सा रोगन को निकालते हैं अंदर से, तेल वेल देख रहे हैं, तेल रोगन अच्छे से मिलाते हैं और निकालते हैं प्लेट के ऊपर में थोड़ा सा मटन और थोड़ा सा इसका ग्रेवी, और फिर करते हैं इसको टेस्ट हम। आइए, तो थक गए बहुत और खूब मज़ा किए हैं, अब बारी है कुछ स्वादिष्ट चीज़ों को खाने का। तो ये मटन को लिए, देख रहे हैं कैसा कितना टेंडर हो गया मटन ये वाला। चलिए मुझे थोड़ा सा नमक तेज लग रहा है और जो फ्लेवर इसका है काफ़ी स्ट्रांग फ्लेवर है। पिछली बार जब खाया था मटन स्टू को वो भी स्ट्रांग था, लेकिन उसमें क्या था ना कि हल्का सा प्याज का मिठास था, इसके अंदर मिठास नहीं है इतना प्याज का। ये पूरा पूरा स्ट्रांग फ्लेवर है। तो अगर आप स्ट्रांग खाने के शौकीन हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस हांडी मटन को। अगर शौकीन है हल्का स्पाइसी भी हो, हल्का मिठास भी हो, तो ट्राई कीजिएगा मटन स्टू को। ये देखिए, वाह, बहुत बढ़िया टेस्ट इसका है। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं चीज़ों को जगह को एंजॉय करने के लिए और अच्छा चीज़ खाना है आपको, तो आई रिकमेंड कि इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ये है यहाँ का नली वाला पीस, इसको सरका सरकाते हैं और खिसका करके ये निकाल दिए पूरा। और पता है इसके अंदर में क्या होता है? जो लोग देखते होंगे मुझे उनको पता होगा कि इसके अंदर में क्या होता है। इसके अंदर होता है जादू। तो हम निकालते हैं एक बार। वाह, पूरा खाली हो गया, बिल्कुल मक्खन टाइप लगेगा खाने में इसको, और हल्का घी भी, घी का फ्लेवर भी इसके अंदर से आ रहा है, क्योंकि जो होता है अंदर का बोन मैरो बहुत मज़ा आता खाने में। तो हम ख़त्म करते हैं अपने इस पूरे प्लेट को और मिलते हैं आपको एक नई जगह पर। तब तक के लिए आइए, जगह को एंजॉय कीजिए, इस फूड को खाइए, मज़ा आएगा आपको। बाय बाय।